हाय, कैसे आप सभी लोग एसर टेलीकॉम के फॉलोअर्स। यार आज मेरे को रामराज से एक बहुत अच्छा पार्सल मिला, इतना बड़ा मल्टीमीटर। हो क्या आपने वाकई में इतना बड़ा मल्टीमीटर देखा है कभी? इतना बड़ा मल्टीमीटर भाई, इधर आइए आइए, इधर साइड आइए, देखा उनको ये मल्टीमीटर। ये देखो, इत्तू इत्तू से मल्टीमीटर होते हैं यहाँ पर। ये मल्टीमीटर को जूम करो, ये देखो, ये दो मल्टीमीटर को जूम करो, ये इतने इतने से मल्टीमीटर होते हैं। इसमें से आप देखो तो ये 1500 का, और ये देखो तो ये हमने 10000 का परचेस किया था, तब की बात है, अब पता नहीं कितने का हो गया है। और यहाँ पर एक ये मल्टीमीटर भी है, सरलॉक होम है भाई ये, ठीक है, ये वाला मल्टीमीटर भी है हमारा। बट अब इसके बाद इतना बड़ा मल्टीमीटर, क्या वाकई में ये इतना बड़ा है या इसके अंदर और कुछ भी है? चेक देखना चाहेंगे, चलो देखते हैं भाई। मैंने बुलवाया है एक नंबर वन मल्टीमीटर, जो थोड़ा पैसे में ज़्यादा है बट आपको वाकई में रिजल्ट देगा। आओ उसको ओपन करते हैं। सबसे पहले देखो आया कहाँ से, देखा भाई यहाँ पर, तो भाई ये आया है रामराज टूल, ये उसका नंबर है। आप चाहो तो उनसे कॉल कर सकते हो, और ये हमारा नंबर है 7007, आप हमें एडमिशन के लिए कॉल कर सकते हो। बाकी ये मल्टीमीटर खरीदने के लिए कॉल मत करना, क्योंकि हम बेचते नहीं हैं। तो कैसे खोलूँ, कहाँ से खोलूँ पता नहीं है, सब जगह से खोल लेता हूँ, ठीक है। चलिए, अब इस समय घर पे हैं और आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं। और मेरे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, और जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो आने वाले स्टूडेंट हैं, उन सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारक। चलो, मल्टीमीटर के साथ एक मैट भी है, ये अलग से परचेस किया है। इस मैट की क्या खासियत है, MD सर बताएंगे। तो थर्मल थर्मल आती है, थोड़ी मोटी भी है सर ये, ठीक है, और थर्मल भी आता है इसके अंदर। और ये एडजस्टेबल, ये लॉन्ग साइज की एडजस्टेबल है, देखो यहाँ दिखाता हूँ, 500 डिग्री सेल्सियस आपको सहन कर लेगी मल्टी। और ये जो आपकी जो बहुत भारी मैट होती है ना, जो नॉर्मल SMD की वजह से फूल जाती है, ये शायद ही फूलेगी। पर अपन इसका रिव्यू अभी नहीं देंगे, क्योंकि इसको अपन यूज़ करेंगे तब देंगे, तो इसको अपन किनारे रख देते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो यार इतना बड़ा मल्टीमीटर, क्या वाकई में इतना बड़ा मल्टीमीटर हो सकता है? आप गेस करो कौन सा मल्टीमीटर होगा, कमेंट करके बताओ। हालांकि आपने पोस्ट तो देख ही ली होगी, चलो कोई नहीं, हम इसको खोलेंगे और इसका रिव्यू का भी पूरा वीडियो बनाएंगे। पर इसको पहले पूरा एक महीना जितना हो सकता है लॉन्ग पीरियड के लिए चेक करेंगे, ठीक है। ओहो हो, आ गया। तो भैया मेड इन चाइना, आप क्या करें, ऐसे मल्टीमीटर चाइना में ही बनते हैं। तो भैया अपडेट आप नहीं होंगे तो आप स्टूडेंट को क्या करेंगे, सीधी सी बात मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप अपडेट नहीं हैं, आपके टीचर अपडेट नहीं है, तो स्टूडेंट क्या होंगे। तो ये जिस कंपनी का मल्टीमीटर है, इसका नाम है O1, सही है। और मल्टीमीटर का अगर मैं बात करूं, कहीं भी मल्टीमीटर की जानकारी नहीं है, तो ये हम बोल सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीमीटर है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा जूम आउट करके देखाओ जरा, तो ये है, जूम आउट, पीछे से जाकर जूम आउट करो, तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीमीटर। आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर। बहुत अच्छा क्या पैकेट, यहाँ पर लिखा हुआ है डिजिटल मल्टीमीटर, देखाओ सिर्फ मल्टीमीटर है। पर मैं आपको बता दूं, ये 2-in-1 है, ये DSO प्लस मल्टीमीटर है, ठीक है। इसके अंदर 60 MHz का DSO भी है, आई गेस, करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग। तो भैया इसको खोलना है अब हमको, बड़ा टास्क है भाई। तो भैया हम तो ऐसे ही खोलते हैं, और यहाँ पर तो चलो सबसे पहले रामराज का, रामराज सर का दिखा दो भाई, भाई उनकी तरफ से आया तो दिखाना बनता है, ये देख लो, ठीक है। ये आप दो रामराज सर के परचेस कर सकते हो, और आप ZX मलिक से भी बुलवा सकते हो, दिल्ली में है। आप ZX मलिक टीम करके आप सर्च करना, उनका भी नंबर आपको मिल जाएगा। और एक मैंने अपने लिए ब्लेड बुलवाई थी,
ठीक है, 2010 3 0 5 पीस आती है, काफ़ी अच्छी ब्लेड है। अब तो ये आ गए हम मल्टीमीटर में, इधर आ जाओ। चलो जी, ये मल्टीमीटर आ गए। ओहो हो हो, एकदम DSO जैसा मल्टीमीटर है। सबसे पहले केबल देखो, यहाँ पर आओ, सबसे पहले केबल देखो। तो ये देखो, ये केबल है। आप सोचो मल्टीमीटर में ये भी केबल मिलती होगी। हाँ, ये केबल आपने पहली बार देखी होगी अपनी लाइफ में कि मल्टीमीटर के साथ, ये देखो इस तरह की केबल मिल रही है। ये दिखाई दे रही है, प्रोब देखो इसके। ओहो, इधर लग रहा सोने के है। हाँ, गजब है, कुछ अलग ही है। तो हम इसको यूज़ करेंगे। ये इसकी प्रोब्स है, तो ये भी कैट टेक्नोलॉजी की CAT 3 होगी, मे भी लिखा होगा। ये देखो, तो 100 वोल्टेज लिखा है, मैक्सिमम 10 एम्पियर यहाँ पर लिखा हुआ है। और प्रोब का जो पर ये जो पिन है ये काफ़ी छोटा है, ठीक है, ये निकलता है तो ये इस तरह का हो जाता है। ये प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है इस तरीके से। और ये प्रूफ आप देख सो, क्या बढ़िया प्रूफ है। ओहो, तो मे बी ये किसी ना किसी ये उसके लिए यूज़ होगी, तो जिससे हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि DC में लग जाएगा। और इससे हम किसी ना किसी पिन को कनेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट क्लियर के यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। अब मुझे पता नहीं किसके लिए, देखना है। इसके साथ हमने एक एक्स्ट्रा अलग से प्रूफ बुलवाई है जो हम इस मल्टीमीटर में यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये निडल देखो इसकी, थोड़ा जूम करो, निडल में करो करो। ये देखो निडल देखो, ओहो क्या पैनी निडल है, मानना पड़ेगा। पीला मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हो क्या? ये देखो, पूरी जो दो कॉयलों के बीच में भी घुस जाएगी, ये बहुत प्यारी है। देखाओ यहाँ पर, ठीक है, ये दिखाई दे रही है आपको, नोटिस करो, ठीक है। क्या पैनी, देखो गजब मल्टीमीटर। तो ये यूज़ करेंगे, इसको अलग रख देते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये आप इसकी फ़ोटो खींच सकते हो और इसको आप बुलवा सकते हो ZX मलिक और रामदास टूल से, मेड इन चाइना, 0.6 mm बता रहे हैं। तो अल्ट्रा फाइन स्टील निडल है, गोल्ड प्लेटिंग नेब है इसकी, तो ये भी हम रख देते हैं। अब इसके साथ हमें मिल रहा है पावर केबल, तो पावर केबल भी हम यूज़ करेंगे। और इसके साथ मिल रहा है एक मैनुअल प्लस ए CD, इसका मतलब ये मल्टीमीटर USB सपोर्ट करता है। और USB के लिए मिल रहा है मतलब VGA पोर्ट, जो से आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं PC से। और ये आपको एक और यहाँ पर एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए मिल रहा है, तो यहाँ से आप इसको, ये काफ़ी अच्छा है ताकि ये ना प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, पर अपन इसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पे भी देखो दो फ्यूज़ मिल रहे हैं। देखो महंगे मल्टीमीटर की एक अलग ही बात है, ब्रांडेड अलग से दो फ्यूज़ मिल रहे हैं कि अगर आपको फ्यूज़ उड़ भी गए गलती से तो आप इसको यहीं से बदल सकते हैं, आपको कहीं इसको सुधरवाने की ज़रूरत नहीं है। ये स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि मैं हमेशा स्टूडेंट को सिखाता हूँ ये पूरा कि ये क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब इस मल्टीमीटर की बात करते हैं। चलो तो भैया, मैं काफ़ी टाइम से एक मल्टीमीटर खोज रहा था कि मुझे नया क्या मिल जाए। सामने से देखो, काफ़ी टाइम से एक मल्टीमीटर खोज रहा था कि मुझे नया क्या मिल जाए, और मुझे फाइनली नया मिल गया है। तो आई एम सो मच एक्साइटेड। और पहला वीडियो इस मल्टीमीटर का हिंदी में, चलो आपको दिखाया जाए। तो ये है भाई साहब मल्टीमीटर, यहाँ पर दिखाइए, जूम कीजिए। तो ये बहुत बड़ा डिस्प्ले है इसका, हम साइज़ वाइज सब बताएंगे आपको। अभी ये रिव्यू वीडियो नहीं है, अभी तो ये अनबॉक्सिंग वीडियो है। तो यहाँ पर लिखा है SDM2041O1 का है। ये इसके यहाँ से पैरामीटर्स हैं, ये इसके ऑप्शन है, जस्ट लाइक DSO। यहाँ पर आप ओम से डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये कैपेसिटर, ये ओम डायोड,
ये आपके एम्पियर और वोल्टेज चेक करने के लिए, और ये आपके रेंज वेंज सेट करने के लिए, और ये डुअल एडजस्ट डुअल अगर यूज़ करना हो तो। खैर पीछे अगर हम देखें तो पीछे आप देख सकते हो ये आपके पावर कोड है, ये आपके RS-232 है, RS-232 पोर्ट, ठीक है, और दो पोर्ट आपको दिए हैं कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। और इसमें USB पोर्ट नहीं है, RS-232 है, मतलब आपको ये पोर्ट कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, USB नहीं है। ओके, तो हमें कंप्यूटर में कनेक्ट करना है तो हमें RS-232 ही लगाना पड़ेगा, मतलब ये आप लैपटॉप से कनेक्ट कर पाएंगे। अभी कैसा है, लैपटॉप में तो ये पोर्ट लगता नहीं है, तो आपको एक कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा, हो जाएगा उसमें भी। चलो अब अपन इसको ऑन करते हैं और देखते हैं, इसमें इस तरह का आता है, इसको कहते हैं बेंच टॉप मल्टीमीटर। यहाँ से देखा, चलो अब मैं इसको पहले ऑन करता हूँ। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला तो ये बटन है इसका, चलो ये बूट ले लिया उसने, बहुत सेकंड में लिया और ये आपका चालू हो गया। कितना बड़ा डिस्प्ले है, तो ये मल्टीमीटर क्या आप दूर से भी दिखाई देगा, फंक्शन इंसन है आप देख सकते हैं। ये अलग से परचेस करके बुलवाया जाता है, ये ऑर्डर पे आता है जनरली। तो ये सारी चीज़ें हम इस पर चेक करने वाले हैं। और ये देखो अंदर देखो कितनी, ये देखो आप देख रहे हैं जो टिगर आपको महसूस हो रहा है, कैसी टिगरिंग हो रही है अंदर। ये वोल्टेज हो गया, ये मिली वोल्टेज है, ठीक है, ये देखो वोल्टेज DC वोल्टेज AC, ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी हो गई। जैसे कि मैंने बताया ये मल्टीमीटर आपका DSO भी है, तो ये फ्रिक्वेंसी है यहाँ से, ठीक है। बहुत सारे फंक्शन DSO के तो नहीं है आपके पास, ये पीरियड फ्रिक्वेंसी सेकेंड ये भी आप यहाँ से मेज़र कर सकते हो, ये करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ से ये और आप चेक करें ये क्या है, तो ये सारे फंक्शन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये यूटिलिटी है, ये इसके ऑप्शंस है, बैकलाइट सिस्टम, यहाँ से सेव कर सकते हैं, यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं चीज़ों को, रन और स्टॉप, जैसे किसी को दिखाना है तो स्टॉप कर लिया वोल्टेज। ये पोर्ट, ये यूटिलिटी है, यहाँ से ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए, ये डिफ़ॉल्ट, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, रेंज ऑटो स्पीड, और ये मैट्स मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, DB DBM, ये सब चेक करने के लिए, और ये सारे पोर्ट है। अब इसकी एक बार बजट सुनते हैं, तो इसके अंदर नया वाला लगाते हैं, ये वाले नीडल्स को संभाल के रख लेते हैं, बहुत प्यारे नीडल्स हैं, घूम जाएंगे नहीं तो, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे, यहाँ दिखाई वोल्टेज डायोड ये, और ग्राउंड को ग्राउंड पे लगा देंगे। ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ये बदल सकते हैं आप, ये ग्राउंड पे लगा देंगे। अब जैसे ये ओम्स है, ठीक है, यहाँ पर रेंज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग, ये देखो ये ओवरलोड हो गया, ठीक है। तो इसका Vbat चेक करते हैं, और Vbat पे आपको पता है बैट VCC पे कितना आना चाहिए, 400-500, ये देखो 384, उसमें कुछ मिली वोल्टेज भी आपको दिखाई देंगे और मिली, ठीक है। ये आपका कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ये नैनो में है, हम ये ऑटो रेंज में है, यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखो माइक्रो, जैसे 500 माइक्रो हमने रेंज रख लिया, फॉर एग्जांपल हम इसको ऑटो रेंज में भी रख सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है, और ऑटो रेंज में रखकर भी हम इसको चेक कर सकते हैं। जैसे हमने इसको टच किया, अब नोटिस करो, ये देखो ये 15 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है, ठीक है, हाँ ये, और
ये रजिस्टर, यहाँ से हम किसी एक रजिस्टर को चेक कर लेते हैं। हालांकि इसके रजिस्टर बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं, मुझे शायद ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जीरो ओम्स का है, ये देखो 0.9 मतलब 1K का रजिस्टर है। ठीक है, ये ओम्स हो गए, ये बीपर है। ये देखो बीप नहीं बज रही ना अभी, क्योंकि बीप पर ऑफ है, हम इसको ऑन कर लेंगे। कितना तेज बीप है इसका MD सर? बिल्कुल सर, गली तक जा रहा है। तो अब इससे हम ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो चलो, ये मल्टीमीटर कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। एक महीने के अंदर रिव्यू देता हूँ इस मल्टीमीटर का, और बहुत जल्दी एक MSO परचेस करने वाला हूँ, क्योंकि अब नॉलेज MSO वाला मिला है, तो MSO लेंगे और वही नॉलेज स्टूडेंट को डिलीवर करेंगे। हालांकि अब हमारी जो बैच लगने वाली है, और इस मंथ की जो बैच है हमारी, वो MD सर कौन सी तारीख को लगेगी? 30 को हमारा काउंसिल, 31 को बोल रहे, नहीं 30 को बोलो ना, 30 को लग जाएगी। अच्छा, 29 को काउंसलिंग है, तो काउंसलिंग के दिन पहला लाइव होगा। इस बार हमारा 27 तारीख से लाइव नहीं होगा, 29 तारीख से होगा, और 30 तारीख से हमारा पहला बैच लगेगा सुबह 8 बजे, जो कि 7 बजे से चालू होगा, क्योंकि हम 1 घंटा पहले लगाते हैं, हम वो 12 बजे सो के जाने वाले टीचर नहीं है। जो हारी थी वो फिर जीत गई। यस सर, जीत हार कुछ नहीं है, खेल में मजा आया और सबने खेला। यस सर, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? यस सर।